अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आसिम आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर में। और आपसे डिस्कशन हो रही है अपर लिम के डिफरेंट टॉपिक्स की। और अपर लिम में भाई क्या बात है, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। एक्जिला हमने कवर कर लिया, हमने शोल्डर जॉइंट कवर कर लिया, आर्म कर लिया, एल्बो हमने कर लिया, फोर आर्म तकरीबन हमने कम्प्लीट कर लिया। और आज इस लेक्चर में जिस टॉपिक की हम लोग बात करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है आपका न्यूरोवेस्कुलेचर ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म। आपको याद है लास्ट लेक्चर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपके साथ मसल ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म डिस्कस किए थे। और मैंने आपसे बात की थी कि मसल ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट को हम लोग तीन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, सुपरफिशियल में, इंटरमीडिएट में और डीप में। और हमने ये बात भी देखी थी कि वो सारे के सारे मसल जो थे, दे आर द फ्लेक्सर ऑफ द हैंड एंड द एल्बो जॉइंट। और साथ ही साथ उनमें से दो मसल जो थे, प्रोनेटर टीरीज एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस, वो दोनों मसल जो थे वो हमारे प्रोनेटर मसल्स भी थे। आज मैं आपसे बात करूंगा हमारे एंटीरियर कंपार्टमेंट की वेसल्स की और उनकी नर्व्स की। तो दो वेसल्स हैं, दो नर्व्स हैं, आइए देख लेते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्लिनिकल रेलिवेंस भी इनकी बहुत ज़्यादा है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो मैं आपके साथ बात करूँगा आज एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म की, नर्व्स और वेसल्स की। अच्छा, ये बात आपको अब तक समझ आ चुकी है और पता लग चुकी है, मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कई मरतबा, कि फोर आर्म बेसिकली हमारे अपर लिम का वो पार्ट है जो कि हमारी एल्बो और हमारी रिस्ट के दरमियान में एग्जिस्ट करता है। तो इट्स लोकेटेड बिटवीन एल्बो एंड द रिस्ट। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी। दूसरा, ये बात भी हमने आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारा जो फोर आर्म है, इसका एंटीरियर कंपार्टमेंट फ्लेक्सर या प्रोनेटर कंपार्टमेंट होता है, और जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है वो एक्सटेंसर या सुपीनेटर कंपार्टमेंट होता है। साथ में ये बात भी हो चुकी है कि जो इसका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, इसको हमने एक छोटे से लैटरल कंपार्टमेंट में भी डिवाइड कर रखा है, जहाँ पे आपके दो मसल्स थे, वो हमने उसकी डिटेल बात की थी, उसके बारे में मज़ीद बात करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये आपके सामने एक ट्रांसफर सेक्शन आ गया आपके अपर लिम का, और इस ट्रांसफर सेक्शन में आपको नज़र आ रहा है ये आपके जो ब्लू कलर की आपको मसल्स और डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये आपका इंटीरियर या प्रोनेटर कंपार्टमेंट है, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। और ये जो आपको ब्राउन कलर की ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये आपका पोस्टीरियर या एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है, और सुपीनेटर मसल भी यहीं पर होता है। ये एक और डायग्राम है जो एक दूसरी किताब से मैंने उठाई है, KLM का गालिबन डायग्राम है। तो इसमें आपको ये अल्ना और रेडियस नज़र आ रहे हैं, और साथ में आपको इंटीरियर कंपार्टमेंट और ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट यहाँ नज़र आ रहे हैं। ओके, आज मैं आपसे बात करूंगा आर्टरीज ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म की। आपको याद है हमने जब आर्टरीज को ट्रेस करना शुरू किया था, तो मैंने आपको समझाया था कि जब आर्टरीज को हम ट्रेस करते हैं, तो हम आर्टरीज को कहाँ से ट्रेस करना शुरू करते हैं, हम इसको ट्रेस करना शुरू करते हैं हमारी रूट ऑफ द नेक से, जहाँ पर एक आर्टरी हमारी थी, इसका नाम था सबक्लेवियन आर्टरी। और मैंने आपसे बात की थी कि सबक्लेवियन आर्टरी जैसे ही आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब को क्रॉस करती है, हम उसका नाम जो है वो एक्जिलरी आर्टरी रख देते हैं। फिर एक्जिलरी आर्टरी एक्जिला के अंदर एंटर हो जाती है, उसका रिलेशन होता है विद द कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, और उसके बाद वो एक्जिला से आगे चलती है। और हमने बात की थी कि जैसे ही एक्जिलरी आर्टरी लोअर बॉर्डर ऑफ द टीरीज मेजर मसल को क्रॉस करती है, वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, ब्रेकियल आर्टरी में। फिर ब्रेकियल आर्टरी की मैंने आपसे आर्म में बात की थी कि ब्रेकियल आर्टरी आर्म के एंटीरियर कंपार्टमेंट में होते हुए पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी ब्रांच देती हुई जो है वो क्यूबॉइडल फोसा क्रॉस करती है। क्यूबॉइडल फोसा क्रॉस करके जैसे ही वो नेक ऑफ द रेडियस के सामने पहुँचती है, वो बायफर्केट हो जाती है दो आर्टरी में, उनमें से जो लेटरल वाली थी उसका नाम था रेडियल आर्टरी, और जो मीडियल वाली थी उसका नाम था अल्नर आर्टरी। एंटीरियर कंपार्टमेंट में हमें ये दोनों आर्टरी नजर आएंगी। तो आइए जरा इसको दोनों को देख लेते हैं। जी बेटो, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, आर्टरीज ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट की। और पहली आर्टरी जिसकी मैंने आपसे बात करनी है वो है अल्नर आर्टरी। अच्छा, ये तो खैर मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, ये आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, मैं आपके साथ सीधा चलता हूँ और डायग्राम में आपको समझाता हूँ कि क्या होगा। अब देखिए, ये ऊपर से आपकी ब्रेकियल आर्टरी आपको नजर आती हुई नज़र आ रही है, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही होगी, ये मेरा माउस से कर्सर आपको चलता हुआ नज़र आ रहा होगा। अब देखिए, ये जो आपकी ब्रेकियल आर्टरी है, ये ब्रेकियल आर्टरी क्यूबॉइडल फोसा को क्रॉस करती हुई पहुंची नेक ऑफ द रेडियस के सामने, और नेक ऑफ द रेडियस के सामने आप देख रहे हो ये बायफर्केट हो गई है, इसके दो हिस्सों में ये डिवाइड हो गई। इनमें से ये जो आपका लैटरल साइड वाली आर्टरी है, ये वाली नाउ दिस इज रेडियल आर्टरी, और ये जो मीडियल साइड वाली आर्टरी है, दिस इज द अल्नर आर्टरी। याद रहे, ब्रेकियल आर्टरी जब बायफर्केट होती है, तो अल्नर आर्टरी इज अ लार्जर टर्मिनल ब्रांच एंड रेडियल आर्टरी इज द स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच। उस बात आप जरा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, उस बात आप देख रहे हैं कि ये जो आपकी अल्नर आर्टरी है, ये एंटीरियर कंपार्टमेंट से होती हुई जा रही है, ये डिफरेंट ब्रांचेज देती हुई जाएगी जिनकी अभी हम बात करेंगे, और ये फ्लेक्सर मसल से कवर्ड होती है। ये बात आपने याद रखनी है, एंटीरियर कंपार्टमेंट का जो अपर हाफ होता है एल्बो के साथ समझे मिड ऑफ दी फोर आर्म तक, ये जो अल्नर आर्टरी है हमारी, ये फ्लेक्सर मसल्स के साथ कवर्ड है। ठीक है, ये फ्लेक्सर मसल्स के साथ कवर्ड है। उस बाद जब हम आगे चलते हैं, तो आगे चल के हम देखते हैं कि लोअर पार्ट ऑफ दी फोर आर्म में ये आर्टरी सुपरफिशियल हो जाती है। सुपरफिशियल होकर आप देख रहे हो ये फ्लेक्सर रेटिनाक्युलम को सुपरफिशियली क्रॉस कर रही है,
और यहाँ पर ये सिर्फ स्किन और फेशियल ढकी हुई है, और ये वो जगह है जहाँ पर आप इसकी पल्स ले सकते हैं इस जगह पर, और ये साइट है फॉर टेकिंग दी अलनर पल्स। उसके बाद आप देख रहे हैं ये क्या कर रही है, फ्लेक्स रेटिना के लिए उनको क्रॉस करती हुई ये हैंड में एंटर हुई, और हैंड में पहुँच के इसने ये एक आर्च बना ली जिसको हम नाम देते हैं सुपरफिशियल पामर आर्च का, और इस तरीके से सुपरफिशियल पामर आर्च बना के ये जो है वो टर्मिनेट हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज़ और देख रहे हैं कि ये सुपरफिशियल पामर आर्च जब बना रही है तो ये सुपरफिशियल पामर आर्च डीप पामर आर्च ऑफ द रेडियल आर्टरी से, अभी मैं रेडियल आर्टरी में बात करता हूँ उसकी, उससे मिलती है और ये पामर आर्च को कंप्लीट कर लेती है। फिर पामर आर्च क्या होती है, उनमें से कौन सी आर्टरी निकलती हैं, कैसे निकलती हैं, ये सारी बातें हैंड की, और जब मैं आपसे एनाटॉमी ऑफ हैंड डिस्कस करूँगा तो मैं आपसे उसकी डिटेल में इंशाल्लाह बात करूँगा। ठीक है बेटे, कुछ और समझ आ गया आप लोगों को? तो देखें कहाँ शुरू हुई, नेक ऑफ द रेडियस के सामने शुरू हुई, उसके बाद ये आगे चलती गई, यहाँ ये कवर्ड है आप देख रहे हो, यहाँ पर जो आपकी सुपरफिशियल और जो इंटरमीडिएट लेयर है उसको काटा गया है, ये आप देख रहे हैं फ्लेक्स रेडियस सुपरफिशियल इसको काटा गया है, तब ये आपको नज़र आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंटैक्ट आर्म में मैं देखूँगा, अगर मैं अपने आर्म को यहाँ पर आप इस तरह देख रहे हैं, ये देखें ये मेरा फोर आर्म है, अगर मैं इस फोर आर्म की स्किन को यहाँ रिमूव कर दूँगा तो मुझे यहाँ पर अल्नर आर्टरी नज़र यहाँ तक नज़र नहीं आएगी। फिर जब यहाँ से ये आगे चलेगी तो आगे चल के इस जगह के ऊपर, इस जगह के ऊपर ये सुपरफिशियल हो जाएगी, फ्लेक्स रेटिनाकुलम को सुपरफिशियली क्रॉस करेगी, और ये वो जगह है जहाँ पर मैं इसकी पल्स दूँगा, और मुझे इसकी पल्स अभी फील भी हो रही है, ये जो है हमारे अल्नर आर्टरी की पल्स लेने की जो है वो साइड है। ठीक है, फिर हैंड में ये कैसे टर्मिनेट हुई, हैंड में ये ऐसे टर्मिनेट हुई कि इसने सुपरफिशियल पामर आर्च बना ली, और फिर वो हैंड के स्ट्रक्चर को ब्लड सप्लाई देगी। ठीक है जी डियर स्टूडेंट, तो ये आपने इसका सारा कोर्स समझ लिया। अब देखें इसकी ब्रांचेज देख लेते हैं, बिल्कुल आसान ब्रांचेज हैं, बहुत आसानी से समझ जाएंगे, इसकी जो ब्रांचेज हैं बहुत ईजी हैं। अब देखें इसकी ब्रांचेज कौन कौन सी हैं, डायग्राम को देखें, मुझे ना देखें, सारे ब्रांचेज आपको याद हो जाएंगे। देखें एक तो ये एल्बो को क्रॉस करके आई, और जैसे ही एल्बो को क्रॉस करके आती है ये कुछ ब्रांचेज देती हैं जो वापस जाती हैं और एल्बो जॉइंट को सप्लाई करती हैं। आपको याद है मैंने आपको पहले भी ये बात समझाई थी कि अगर कोई ब्रांच आर्टरी के कोर्स के मेन आर्टरी के कोर्स के ऑपोजिट जा रही हो, यानी अल्नर आर्टरी की डायरेक्शन कहाँ पर है, डाउनवर्ड, बट वो वापस कहाँ जा रही है, अपवर्ड, तो ऐसी आर्टरीज को हम रिकरेंट आर्टरीज कहते हैं। तो रिकरेंट आर्टरीज जो होती हैं वो जाती हैं और जाके हमारी जो एल्बो है उसके अराउंड एनास्टोमोसिस बनाने में अपना पार्ट प्ले करती हैं। उसके बाद जब ये अपर लिम में फोर आर्म में जा रही है तो ये मसल होती है फोर आर्म को तो ऑब्वियसली सप्लाई करेगी, उसके साथ देखें तो मस्कुलर ब्रांचेज हो गई, रिकरेंट ब्रांचेज हो गई। एक और बात ध्यान में रखिएगा, चूँकि ये एल्बो को भी क्रॉस करती है और रिस्ट को भी क्रॉस करती है, तो ये एल्बो जॉइंट को भी ब्लड सप्लाई देती है और रिस्ट को भी, तो ये इसकी आर्टिकुलर ब्रांचेज हो जाएंगी। तो कौन कौन सी ब्रांचेज हो गई, देखिए बिल्कुल आसान है, मस्कुलर ब्रांचेज मसल को सप्लाई करेंगे, आर्टिकुलर ब्रांचेज जॉइंट को सप्लाई करेंगे, रिकरेंट ब्रांचेज मेन कोर्स से वापस जाएंगी और जाके एनास्टोमोस करेंगे अराउंड द एल्बो जॉइंट। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप नोट कीजिए, जैसे आप देख रहे हैं ये माउस कैमरा कर्जर आपको नज़र आ रहा होगा इस जगह पर, तो जिस जगह पर ये आर्टरी ओरिजिनेट हुई यहाँ पर इसने एक बड़ी आर्टरी दी जिसको हम नाम दे रहे हैं कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी का। अब आपने याद रखना है कि जो कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी है ये बहुत ही ज़बरदस्त आर्टरी है, और देखो जैसे ही ये बनी ये दो ब्रांच में डिवाइड हो गई, एंटीरियर इंट्रोशियस में और पोस्टीरियर इंट्रोशियस में। आपने याद रखना है कि ये आर्टरी ना सिर्फ मसल्स को सप्लाई करती है बल्कि साथ साथ रेडियस को और अल्ना को न्यूट्रिएंट आर्टरीज भी प्रोवाइड करती है। आपको याद है ना हमने बात की थी जब हम ब्रेकियल आर्टरी पढ़ रहे थे कि ब्रेकियल आर्टरी ह्यूमरस को न्यूट्रिएंट आर्टरी देती है, बिल्कुल उसी तरीके से जो रेडियस और जो अल्ना है उसको जो न्यूट्रिएंट आर्टरीज मिलती हैं वो हमारी इंट्रोशियस आर्टरीज से मिलती हैं, और कॉमन इंट्रोशियस आर्टरीज ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी। तो ये बात आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब देखें ये की सारी ब्रांचेज मैंने आपके सामने यहाँ लिख दी हैं, ये मस्कुलर ब्रांचेज हैं, रिकरेंट ब्रांचेज हैं, आर्टिकुलर ब्रांचेज हैं और कॉमन इंट्रोशियस आर्टरीज हैं, ये सब आपने समझ लिया। ठीक है, देखिए एक डायग्राम मैंने आपके लिए लगाई, इसमें भी आप देख सकते हो, देखो ये ब्रेकियल आर्टरी ऊपर से आ रही है, ये ब्रेकियल आर्टरी पहुंची जैसे ही नेक ऑफ द रेडियस के सामने बायफर्केट हुई, आप देख रहे हो ना, जैसे ही बायफर्केट हुई ये स्मॉलर रेडियल आर्टरी में और लार्जर अल्नर आर्टरी में डिवाइड हो गई। अब देखिए यहाँ से ये जो ब्रांचेज वापस जा रही हैं अराउंड दी एल्बो एनास्टोमोस बनाने के लिए, ये वाली नाउ दीज आर दी रिकरेंट आर्टरीज। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ से हमारी आर्टरी निकली है मेन आर्टरी, और दिस इज द कॉमन इंट्रोशियल आर्टरी, ये फॉरन डिवाइड हो जाएगी एंटीरियर इंट्रोशियस में और पोस्टीरियर इंट्रोशियस में। उसके बाद ये एल्बो वाली जो ब्रांचेज होंगी वो आर्टिकुलर होंगी, रिस्ट वाली भी आर्टिकुलर होंगी। फिर देखें जैसे ही ये पहुंची कहाँ हैंड में, इसने ये सुपरफिशियल पामर आर्च बना ली, ये सुपरफिशियल पामर आर्च आपको नज़र आ रही है, और ये सुपरफिशियल पामर आर्च फिर जो है अपना रोल प्ले करेगी स्ट्रक्चर ऑफ दी हैंड को सप्लाई करने में, वो हम हैंड में बात करेंगे कैसे सप्लाई करेंगे। ठीक है, आसान है, कोई इतना बड़ा इसमें इशू आपको नहीं हो रहा होगा। दूसरी आर्टरी जो हमें नज़र आती है वो हमें नज़र आती है रेडियल आर्टरी। नाउ रेडियल आर्टरी की जब आप ओरिजिन देखते हो तो आपको ये तो बात समझ आ गई कि जब ब्रेकियल आर्टरी की बायफर्केशन थे बनी है
तो ऑब्वियसली जहाँ से अल्नर आर्टरी स्टार्ट हुई होगी वहीं से ये स्टार्ट हुई होगी। तो ये भी ओरिजिनेट होती है इन फ्रंट ऑफ द नेक ऑफ द रेडियस। जब नेक ऑफ द रेडियस के फ्रंट से ये ओरिजिनेट हो गई तो हम डायग्राम देख लेते हैं। ये तो लिखा हुआ था मैंने आप लोगों के लिए। अब देखिए नेक ऑफ द रेडियस के फ्रंट से ये ओरिजिनेट हुई, उसके बाद ये लेटरल साइड ऑफ द फोर आर्म के अंदर चल रही है। याद रहे ड्यूरिंग इट्स इंटायर कोर्स, पूरे कोर्स में द आर्टरी इज कवर्ड बाय ब्रेकियो रेडियलिस मसल। ये बात आपने याद रखनी है। तो अपर जो इसका कोर्स होगा सारा का सारा उसमें ब्रेकियो रेडियलिस मसल से कवर्ड होगी। ठीक, जब ये नीचे पहुंचेगी तो नीचे पहुंच के ये स्टेलॉइड प्रोसेस ऑफ द रेडियस के ऊपर इजीली पैल्पेबल होती है। आपने देखा है ना, दिस इज द मोस्ट कॉमन साइड ऑफ टेकिंग आर्टीरियल पल्स। जितने भी दुनिया में आर्टरीज को पैल्पेट किया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो पैल्पेट की जाने वाली आर्टरी है रेडियल आर्टरी। तो ये अपना जंक्शन ऑफ द हैंड एंड द फोर आर्म, ये जो रिस्ट है यहाँ पर स्टेलॉइड प्रोसेस ऑफ द रेडियस के ऊपर इसको पैल्पेट किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ स्किन से कवर्ड होती है। अब यहाँ पर ही क्या करेगी, यहाँ पर ही टर्न करेगी और टर्न करके पोस्टियर साइड ऑफ दी हैंड के अंदर जो है वो एंटर हो जाएगी। फिर हैंड में ही क्या करेगी, हम इसकी बात करेंगे हैंड के अंदर। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो क्लियर, ये नीचे उतर रही है, नीचे उतर रही है, जा रही है, जा रही है, यहाँ पहुँची, यहाँ पैल्पेबल हुई, और उसके बाद देखो ये ट्विस्ट करके पोस्टियर कंपार्टमेंट ऑफ दी हैंड के अंदर, डॉर्सम ऑफ दी हैंड के अंदर एंटर हो गई। अब जब डॉर्सम ऑफ दी हैंड के अंदर ये एंटर हो गई तो उसकी फिर हम डिस्कशन करेंगे हैंड के अंदर। अब यहाँ पर देखें इसकी ब्रांचेज कौन कौन सी होंगी। अब ये कॉमन सेंस ब्रांचेज है ना, देखें इसने रिस्ट को क्रॉस करना है तो रिस्ट की इसकी आर्टिकुलर ब्रांचेज होंगी। एंटीरियर कंपार्टमेंट की आर्टरी है तो इसकी मस्कुलर ब्रांचेज होंगी। साथ साथ एक और बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर अगर आप इसको देख पा रहे हो, नहीं तो मैं पिछले वाले डायग्राम में भी आपको दिखाता हूँ कि जब ये पहुँचती है एट द लेवल ऑफ द रिस्ट तो यहाँ पर ये एक सुपरफिशियल पामर ब्रांच देती है। अब वो सुपरफिशियल पामर ब्रांच क्या करती है, जो सुपरफिशियल पामर आर्च बनाई थी अल्नर आर्टरी ने उसके साथ कंबाइन करके उसको कंप्लीट करती है। यहाँ पर हो सकता है ये आपको इतनी अच्छी नज़र ना आ रही हो, वैसे तो ये यहाँ पर भी नज़र आ रही है, ये हमें नज़र आ रही है आती हुई, ये इसको कंप्लीट कर रही है। मैं पिछली वाले डायग्राम से आपको उसको वापस दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए, ये तो वही वाले आगे, ये देखिए अब यहाँ पर ये देखिए, ये रेडियल आर्टरी आपको नज़र आ रही है, ये रेडियल आर्टरी नीचे की जा रही है और ये ब्रेकियो रेडियलिस मसल तक कवर्ड है, फ्लेक्सर मसल के ऊपर है, पैल्पेबल नहीं है ना। उसके बाद ये नीचे गई, नीचे गई, नीचे गई, नीचे गई, नीचे पहुंची एट दी स्टेलॉइड प्रोसेस ऑफ दी रेडियस पे आप इसको इजीली पैल्पेट कर सकते हो। मैंने बताया यहाँ पर ये पैल्पेट हो जाएगी। उसके बाद देखें खुद तो ये चली गई डॉर्सम ऑफ दी हैंड में, बस डॉर्सम ऑफ दी हैंड में जाने से पहले इसने यहाँ पर एक ब्रांच दी जिसको हम कहते हैं सुपरफिशियल पामर ब्रांच। और देखें ये सुपरफिशियल पामर ब्रांच जो है रेडियल आर्टरी की ये गई और सुपरफिशियल पामर आर्च ऑफ दी अल्नर आर्टरी से मिल गई, और जब ये दोनों मिल गई तो इन्होंने ये सुपरफिशियल पामर आर्च जो है वो कंप्लीट कर ली और बना ली। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी जो हमारे फोर आर्म की दो मेन आर्टरीज हैं वो अपना कोर्स लेती हैं। हैंड में इनके साथ क्या हो रहा है उसकी हम बात करेंगे हैंड की। तो अब हम चलते हैं और अब हम देखते हैं नर्व्स ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म। दो नर्व्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़े काम की है, मीडियन नर्व एक अल्नर नर्व है। आइए उनको देखते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं नर्व्स ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म की। बड़े इंपॉर्टेंट है, दो नर्व्स हैं, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से पहली जो नर्व है वो मीडियन नर्व है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन मैंने इसका सबका आप लोगों के लिए लिख दिया है, आप पढ़ना चाहें तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैं आपको डायग्राम में इसको सारा समझा देता हूँ, बिल्कुल आसान है, आप जल्दी समझ जाओगे। अच्छा देखो, ये मीडियन नर्व हमारे पास नज़र आ रही है। जब मीडियन नर्व को हम देखते हैं तो आपको पता है मीडियन नर्व बेसिकली ओरिजिनेट होती है दो कॉर्ड्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, याद है ना आप लोगों। तो देखें ये मीडियल कॉर्ड और ये लेटरल कॉर्ड, तो मीडियल कॉर्ड से इसका मीडियल डिवीजन आता है, लेटरल कॉर्ड से इसका लेटरल डिवीजन आता है, और ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं नेक्जिला टू फॉर्म द मीडियन नर्व। अब देखें मीडियन नर्व बन गई, मीडियन नर्व बन गई। अब आप देखो इस मीडियन नर्व का बहुत क्लोज एसोसिएशन है ब्रेकियल आर्टरी के साथ। नाउ अपर पार्ट ऑफ द आर्म में ये ब्रेकियल आर्टरी के लैटरली प्लेस्ड है। उसके बाद जब आप देख रहे हो मिड ऑफ द आर्म में इन्होंने ब्रेकियल आर्टरी को मीडियन नर्व ने क्रॉस किया, और क्रॉस करके लोअर हाफ ऑफ द आर्म में ये इसके मीडियल आ गए। तो अब देखो अपर हाफ में ये उसके लेटरल थी, मिड में उसके सामने आ गई और लोअर हाफ में उसके मीडियल आ गए। तो इस तरीके से ये एस शेप पाथवे लेती हैं अलॉन्ग विद द ब्रेकियल आर्टरी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये क्यूबाइटल फोसा को क्रॉस करेंगे और क्यूबाइटल फोसा को क्रॉस करके ये एंटर हो जाएगी कहाँ पर, फोर आर्म के अंदर। अच्छा, अब फोर आर्म में ये हमें कहाँ मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फोर आर्म में ये हमें पेस्ट हुई भी नज़र आती है, दबी हुई नज़र आती है बिटवीन द इंटरमीडिएट एंड द डीप लेयर ऑफ द फ्लेक्सर मसल्स। और अच्छा करना है तो आप ये कहिए कि ये हमें दबी हुई नज़र आती है, पेस्ट हुई भी नज़र आती है बिटवीन फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के। इस तरीके से ये इन दोनों मसल के बीच में से होती हुई फ्लेक्सर रेटिनाक्युलम के नीचे से अंदर से होती हुई हैंड में एंटर हो जाती है।
ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बात याद रखनी है, ये बात भूलनी नहीं है कि मीडियन नर्व फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे से पास होती हुई हैंड में एंटर होती है। इसकी आपको इम्पोर्टेंस तब पता चलेगी जब आप कार्पल टनल सिंड्रोम पढ़ेंगे, तब आपको पता लगेगा कि इस एक जुमले की जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसकी वर्थ क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जब फोर आर्म से ये नर्व यानी मीडियन नर्व हैंड में एंटर होने लगती है तो ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे से एंटर होती है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, एक डायग्राम आपको और दिखाते हैं। यहाँ पर तो ये एल्बो तक ही है सिर्फ, ये देखिए। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि ये मीडियन कॉर्ड और ये लेटरल कॉर्ड मिल गई, उन्होंने मीडियन नर्व बना ली। ये मीडियन नर्व आपको नज़र आ रही है। अब देखिए मीडियन नर्व अपर हाफ में ब्रेकियल आर्टरी के लेटरल है, फिर इसने इसको फ्रंट से क्रॉस किया और फिर ये इसके मीडियल हो गए। ऐसे हुआ ना, ऐसे हुआ। अच्छा आप देखिए उसके बाद देखिए क्या कर रही है। उसके बाद ये मीडियन नर्व आपकी चल रही है, ये मीडियन नर्व आपकी जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है। कहाँ गई मीडियन नर्व हमारी, ये रही। और देखें ये फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल आपको नज़र आ रहा है, ये देखें फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। तो ये फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के नीचे है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के ऊपर है, यानी उन दोनों के दरमियान में पेश हुई हुई है। तो जब तक हम ये मसल यहाँ से हटाएंगे नहीं, यानी फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस यहाँ से हटाएंगे नहीं, हमें ये नर्व नज़र आने वाली नहीं है। ठीक है, इसलिए ये बीच में से आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। उसके बाद आप देख रहे हो कि फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे से होती हुई ये हैंड के अंदर एंटर हो गई। ठीक है, अच्छा अब ब्रांचेस कौन कौन सी होंगी इसकी, आपको याद है मैंने आपके साथ मसल ऑफ द फोर आर्म डिस्कस किए हैं। मैंने आपको बताया था एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म के सारे मसल्स को मीडियन नर्व सप्लाई करती है सिवाय फ्लेक्सर कार्पा अल्नरिस के, नंबर वन। और याद है आपको फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का जो मीडियल दो हाफ था, जो मीडियल हाफ था उसको अल्नर नर्व करती है। तो आपको याद है हमने बात की थी कि 8 में से 6.5 मसल्स को अल्नर नर्व सप्लाई करते हो, सॉरी मीडियन नर्व सप्लाई करती है और 1.5 को अल्नर नर्व करती है, तो ये सारे इसकी सप्लाई। उसके बाद आपको पता है चूंकि ये एल्बो को क्रॉस करती हुई आई है तो ये एल्बो को भी सप्लाई करती होगी। एक और ब्रांच जो मैं चाहता हूँ आपके ध्यान में रखें वो है पामर कुटेनियस ब्रांच। देखें तो मैं आपसे बात कर रहा था कि आपने पामर सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व को ज़रूर याद रखना है। अब क्यों याद रखना है, उसकी वजह ये है मैंने आपको बताया कि मीडियन नर्व एंटीरियर कंपार्टमेंट से फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के अंदर से होती हुई हैंड में एंटर होती है। ऐसा ही ये जो इसकी पामर सुपरफिशियल ब्रांच है ये इसके फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के अंदर एंटर होने से पहले ओरिजिनेट होती है। तो कार्पल टनल सिंड्रोम में क्या होता है, पूरे हाथ के अंदर दर्द हो रहा होता है क्योंकि मीडियन नर्व कंप्रेस हो रही होती है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के अंदर से, क्योंकि उसके नीचे से बात हो रही है। बट ये एरिया जो कि पामर सुपरफिशियल ब्रांच से सप्लाई हो रहा होता है ये दर्द नहीं कर रहा होता। क्यों? क्योंकि वो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम में एंटर होने से पहले यहाँ पर आ जाती है सप्लाई करने के लिए। तो ये डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक है आप कार्पल टनल सिंड्रोम को आइडेंटिफाई करने का। इसलिए आपने इस पार्ट को और इस ब्रांच को मीडियन नर्व की ज़रूर याद रखना है, भूलना नहीं है। तो देखें ये डिफरेंट ब्रांचेज हैं इसकी, मस्कुलर ब्रांचेज मैंने आपसे बात के लिए एंटीरियर कंपार्टमेंट वाली होंगी, आर्टिकुलर ब्रांचेज एल्बो की होंगी, एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व एंटीरियर इंट्रोशियस एरिया को हमारे जो है सप्लाई करेगी, कुछ मसल्स को भी सप्लाई करेगी। और आपको याद है ना मैंने आपको बताया था जो जो डीप लेयर के नर्व्स थी वो एंटीरियर इंट्रोशियस ब्रांच होती मीडियन नर्व से सप्लाई होते थे, तो ये मसल्स को सप्लाई करेगी। और साथ में ये पामर कुटेनियस ब्रांच मैंने आपको बताई, ज़रूर याद रखना है इसको, ये लेटरल साइड यानी थंब वाला जो साइड होता है पाम का, इसको सप्लाई करती है। इसकी मैं आपसे हैंड में ये बात करूँगा। और मैंने आपको बताया ये डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक के तौर पर इस्तेमाल होती है कार्पल टनल सिंड्रोम को आइडेंटिफाई करने के लिए, इसलिए इसको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद कौन सी नर्व है हमारे पास, अब हम बात करेंगे आपसे दूसरी नर्व की जिसके नाम है अल्ला नर्व। आइए देख लेते हैं। तो देखिए अल्ला नर्व, अब अल्ला नर्व भी फिर उसको डिस्क्रिप्शन तो ही मैंने आप लोगों के लिए लिखी, आप उसको पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, मैं आपसे सीधे इसके कोर्स की बात करता हूँ। अब देखिए अल्ला नर्व यहाँ से आपको नज़र आ रही है, अल्ला नर्व कहाँ पर है, क्लियर आपको नज़र आ रहा है, ये आपकी अल्ला नर्व है। अब देखिए अल्ला नर्व जो है इट्स द ब्रांच ऑफ द मीडियल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस, ये बात आपको भी पता है, हम सबको पता है। तो ये मीडियल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस की ब्रांच है। जब हम अल्ला नर्व को देखते हैं तो अल्ला नर्व आर्म में आधे इसके कोर्स में यानी आधे आर्म तक तो ये एंटीरियर कंपार्टमेंट में होती है, और याद रहे कि ब्रेकियल आर्टरी के मीडियली प्लेस होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये अल्नर आर्टरी है, ये आपकी ब्रेकियल आर्टरी है, और ये पूरे इस उसके अंदर जो है इसके मीडियली प्लेस है। उसके बाद ये क्या करती है, उसके बाद ये जो आपका सेप्टा होता है उस सेप्टा को पियर्स करती है, और पियर्स करके आर्म में ही मिड ऑफ द आर्म में पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म में एंटर हो जाती है। इसलिए आपको याद होगा जब हमने आर्म पढ़ा था तो हमने अल्नर नर्व को एंटीरियर कंपार्टमेंट में भी स्टडी किया था और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में भी स्टडी किया था। अब मैं चाहता हूँ कि आप इस वक्त एक काम करें, अब वो काम क्या करें कि आप इस तरीके से अपनी एल्बो को पल्पेट करें। देखें ये मेरा हाथ है, तो ये वाली जो साइड आपको नज़र आ रही है, ये वाली साइड ये मेरी मीडियल साइड है, ये वाली
और ये जो मुझे बोन फील हो रही है ये मेरा मीडियल एपिकोंडाइल ह्यूमरस का। देखिए मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे जब मैं हार्ट लगा रहा हूँ तो मुझे ये कॉर्ड सी यहाँ फील हो रही है, नहीं हो रही है? ये अल्लाह नर्व है। इसलिए आपने देखा बच्चे बाद क्या करते हैं, शरारत करते हैं, इसको यहाँ आके टैप करते हैं और एकदम आपको ऐसा लगता है करंट लगाया एल्बो के अंदर, क्योंकि जैसे ही वो उसको टैप करते हैं करंट जनरेट होता है, नर्व्स के अंदर करंट होता है ना, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होती है, तो वो एकदम आपको ऐसा लगता है इलेक्ट्रिक शॉक आपको लगा है ना। तो अब ये आर्म से जब फोर आर्म में एंटर होती है तो ये मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ दी ह्यूमरस के पीछे से होती हुई एंटर होती है। अच्छा उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये फ्लेक्सर कापाए अल्नेरिस और फ्लेक्सर डिविजोरम सुपरफिशियलिस के दरमियान में से होती हुई चलती जाती है कहाँ पर, हमारे फोर आर्म के अंदर। आपको मैं डायग्राम ये देखिए, ये फोर आर्म के अंदर चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, और ये देखें यहाँ पर ये लेटरली रिलेट कर रही है किसको, किसको रिलेट कर रही है, अल्नर आर्टरी को, यानी अल्नर आर्टरी इससे लेटरली प्लेस है। उसके बाद ये नीचे गई, नीचे गई, नीचे गई, नीचे गई, पहुँची एट द लेवल ऑफ रिस्ट, यहाँ ये सुपरफिशियल हो जाती है विद अल्नर आर्टरी। और याद कर लीजिए और इस बात को भूलिएगा नहीं कि ये फ्लेक्सर रेटिना किलम के सुपरफिशियली हैंड में एंटर होती है, मीडियन नर्व की तरह उसके अंदर से नहीं जाती, उसके ऊपर से जाती है, ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसकी ब्रांचेज कौन कौन सी हैं, आसान है बिल्कुल, आपको पता है इसकी कुछ मस्कुलर ब्रांचेज हैं। देखें मस्कुलर ब्रांचेज वही फ्लेक्सर कापा एल्नेरिस को सप्लाई करेगी और मीडियल हाफ ऑफ दी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफेंडस को सप्लाई करेगी। आर्टिकुलर ब्रांचेज की एल्बो जॉइंट के लिए होंगी और रिस्ट के लिए भी होंगी। उसके बाद पामाकोडिनल ब्रांच जो पाम वन क्या कहना चाहिए उसकी सही टर्म क्या, मीडियल वन वन फिंगर एंड हाफ फिंगर को, यानी मीडियल वन एंड हाफ फिंगर को जो है वो सेंसरी नर्व सप्लाई देगी। हैंड में डिटेल में बात करूँगा मैं आपसे इसकी। पामाकोडिनल ब्रांच की बात हो गई। अच्छा डॉर्सल पोस्टीरियर कोडिनल नर्व जो है एक बड़ी नर्व है और ये मिड ऑफ दी फोर आर्म में ओरिजिनेट होती है, उसके बाद ये होती भी कहाँ चली जाती है, पोस्टीरियर साइड ऑफ दी आर्म में और पोस्टीरियर साइड ऑफ दी हैंड में, और पोस्टीरियर साइड ऑफ दी हैंड में जाके ये डिस्ट्रीब्यूट होती है और ये वहाँ पर आपके हैंड को और फिंगर की स्किन्स को जो है वो नर्व सप्लाई देती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी बात हो गई किसकी, ये हमारी बात हो गई न्यूरोवेस्कुलेचर ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म की। मैं उम्मीद करता हूँ खुदा ताला की दाद से कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आप मेरा चैनल देख भी रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, इस तरह देखते जाइए, लाइक भी करते जाइए, सब्सक्राइब भी करते जाइए। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप वो सवाल मुझसे कीजिए, आपको बताएं मैं सारे सवालों के खुद जवाब देता हूँ। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल छोड़ दीजिए, मैं आपको इंशाल्लाह के जवाब दूंगा। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि कोई जगह ऐसी है, कोई टॉपिक अपन में ऐसा रह गया है, क्योंकि इसके बाद हम लोग रेडियो अल्ना ज्वाइन करेंगे, रिश करेंगे और फिर हम हैंड में चले जाएंगे, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक ऐसा रह गया है जो आपको पढ़ना था और मैं पढ़ाने से रह गया हूँ या भूल गया हूँ, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं उसको देख लूँगा इंशाल्लाह। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।